हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स क्लास सिक्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से लेके नाइन तक होते हैं, ठीक है, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक से लेके नौ तक होते हैं। फिर है आपका होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल होल नंबर। होल नंबर मतलब जिसमें नेचुरल नंबर रहता है और जीरो भी रहता है, जैसे जीरो बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेचुरल नंबर है और इसमें बस ये जीरो एक होगा जिससे वो होल नंबर बन जाएगा, 0, 1, 2, 3 जो नंबर बनते जाए, 10 जितना नंबर बनते जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स, सच एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 जो भी नंबर है, मतलब जो टू से डिवाइड होगा उसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, अब है ऑड नंबर। अब है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में यह है कि जो टू से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये जो टू से डिवाइड नहीं होता है उसको बोला जाता है ऑड नंबर। इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन बस एक ही अंतर है, वो है नॉट, बाकी सेम ही हुई है। द नंबर विच आर डिविजिबल, और यहाँ पर है द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल। डिविजिबल मतलब भाग, ठीक है, जो नंबर दो से भाग हो जाता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, और जो दो जो टू से, ठीक है, जो टू से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोल, उसको जो टू से हम लोग भाग देते हैं, जो जिसमें टू से भाग ना दिया नहीं दे सकते हैं उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। जो नंबर टू से भाग नहीं दे सकते हैं उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर कॉल ऑड नंबर, सच एज 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो भी, मतलब टू से भाग नहीं दे सकते उसको बोला जाता है ऑड नंबर्स। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है सक्सेसर एंड प्रीडिसर ऑफ ए नंबर, ठीक है, सक्सेसर एंड प्रीडिसर। सक्सेसर मतलब होता है वन ऐड करना, मतलब उसमें जिस नंबर जो भी नंबर रहे उसमें एक नंबर जोड़ देना, और प्रीडिसर मतलब ये होता है जिसमें एक नंबर घटा देना, कोई भी नंबर हो उसमें से एक नंबर कम कर देना है, उसको बोला जाता है प्रीडिसर। ठीक है, सक्सेसर ऑफ 340 एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको, सक्सेसर ऑफ 340 जिसमें होगा, इसमें क्या करना है, सक्सेसर में वन ऐड करना है किसी भी नंबर से। अब ये कोई भी एक नंबर है, क्या है 340, इसमें हम लोग वन प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 341, तो ये सक्सेसर नंबर है। ठीक, अब है प्रीडिसेसर। ठीक, अब है प्रीडिसेसर। ऑन सब्सट्रैक्टिंग वन टू एनी नंबर आर कॉल प्रीडिसेसर नंबर, मतलब यहाँ पर है इसका ऑपोजिट, जिसमें यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं और यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, लेकिन कितना, एक, यहाँ पर एक जोड़ा गया है और इसमें प्रीडिसेसर में एक घटाते हैं, कोई भी नंबर होगा जिससे हम लोग एक उससे घटा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर,
मान लीजिए वही नंबर है प्रीडिसेसर ऑफ 340, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 340 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 339। ठीक है, यह है प्रीडिसेसर, हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर हो गया आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन सा है, जो प्राकृतिक संख्या, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो लिख के लिखा ब्लैक बोर्ड में लिखा था, ठीक है, वो है आपका नेचुरल नंबर। फिर है होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है, बस नेचुरल नंबर में 0, 1 लगा देना है। जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, उसमें होल नंबर में 0 भी आता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसको बोला जाता है होल नंबर। फिर है इवन नंबर, फिर है इवन नंबर, इवन नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर हो जिससे वो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और ऑड नंबर वो होता है जिससे 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। फिर है सक्सेसर, जिसमें कोई भी नंबर हो जिसमें हम लोग 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वो सक्सेसर बन जाएगा। और प्रीडिसेसर में क्या होता है, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 1 घटा देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ सक्सेसर और प्रीडिसेसर के लिए, ठीक है, कुछ नंबर्स दे रहा हूँ जिसमें ऑड नंबर और इवन नंबर है, आप लोग को वही फाइंड आउट करना है, इवन नंबर फाइंड करके अलग से लिखना है, ऑड नंबर को अलग से लिखना है, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ उसी से आप लोग मतलब ये सेपरेट कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा कौन इवन है और कौन ऑड है। ठीक है, कुछ नंबर्स दे रहा हूँ उसको आप लोग सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, आप लोग को इवन नंबर लिख के जो इवन नंबर है उसको आप लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है, फिर ऑड नंबर हेडिंग देके आप लोग इसको ऑड नंबर जो ऑड नंबर है उसको लिखना है, ठीक है। अब है इसमें और जो अभी सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है जो सक्सेसर आप लोग को सक्सेसर फाइंड करना है, ठीक है। अब होगा प्रीडिसेसर, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीडिसेसर आप लोग को प्रीडिसेसर फाइंड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज हम लोग पढ़े हैं नेचुरल एंड होल नंबर्स, जिसमें है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। और आप लोग को मैंने बताया भी है कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिख दीजिए, अगले क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको दोबारा बढ़िया से समझा सकूँ, ठीक है। और घर में रहिए, ठीक है, और सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर में रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है।